अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KNN न्यूज लाइव। मैं हुलिदान मॉल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने शहरियों को बेयारों मददगार छोड़ दिया। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाना पाकिस्तानियों के साथ साथ भारतीयों की मदद के लिए आ गया। पाकिस्तानी सफारतखाने का अमला तुलबा को जंग ज़दा इलाकों से निकालने में मसरूफ है। दो दिन से एक बंकर में फंसी थी पाकिस्तानी एम्बेसी की मदद की है। तलबा मारिया असलम की जानिब से ये कहा गया। इन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों के जरिए नंबर पाकिस्तानी अमले तक पहुंचा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदा वफद की मुलाकात। वफद में PBA, APNS, CPNE और MN के अहदेदारान शामिल। चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हमायत कर दी। चौधरी परवेज इलाही का पेक ऑर्डिनेंस में तरमीम को फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा। पेक ऑर्डिनेंस सहाफी बरादरी और अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। मीडिया रियासत का चौथा स्तून है, इसकी आजादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। मीडिया की आजादी पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी बहुत जरूरी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मीडिया की आजादी पर किसी किस्म की कदगल लगाना हमारा अपने मुफाद में नहीं है। आजाद मीडिया पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए इंतहाई जरूरी है। वजारत दाखिला ने फरियाद तालपुर और यूसुफ रजा गिलानी के नाम ECL से निकालने से इनकार कर दिया। जिला वजारत दाखिला के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त की थी। यूसुफ रजा गिलानी का नाम तोकीर सादिक के मुतनाज़े तैनाती केस में नैब की सिफारिश पर डाला गया था। यूसुफ रजा गिलानी नाम ECL से निकालने के लिए ट्रायल कोर्ट से इजाजत ले। फरियाद तालपुर की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला से पूछ रखा था। जराए के मुताबिक फरियाद तालपुर के बारे में वजारत दाखिला ने नाम ECL पर डालने की वजूहत नैब से पूछी थी। खबर शामिल करते हैं मामले खसूसी बराए वजीर आला पंजाब चौधरी SN सलीम बरियाल, साबिक सदर चेयरमैन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी कैसर इकबाल बरियाल। वर्किंग बाउंड्री लाइन पर वाकया हल्का PP38 के मुताबिक देहात का दौरा किया। आलमी बैंक का अफगानिस्तान को इंसानी अमदाद की मद में $1 अरब देने का ऐलान। रकीम UN एजेंसीज और NGO के जरिए खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक अमदादी रकम अफगान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज लाइव।